हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब की बार तीज पर मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ, क्योंकि घेवर तो मैं कई बार खा चुकी हूँ और बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं कुछ अलग ट्राई करूँ। और मैंने ले ली यहाँ पर 3 ताज़ा ब्रेड और उनके कॉर्नर को मैंने कर दिया है कट। तो जो भी कॉर्नर हम कट करेंगे उनको हम रख देंगे, फिर किसी रेसिपी में उन्हें हम काम में ले सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर तीनों ब्रेडों का मैंने कॉर्नर का जो चारों ओर कॉर्नर है उन्हें कट कर लिया। आप चाहें तो ज़्यादा ब्रेड भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने ओनली 3 ब्रेड से बनाई है, तो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप भी इसे तीज त्यौहार पर बनाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर घर में कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई होती है। और बस कॉर्नर कट करने के बाद में मैंने लिया एक बेलन और सभी ब्रेडों को मैं कर दूँगी एकदम फ्लैट। बेलन इस पर फेरेंगे और अच्छे से दबा के फेरेंगे, थोड़ा सा दम लगा के, और फिर बस ये हो जाएंगी फ्लैट। देखिए आप, फ्लैट हो गई। अब हम इस ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे और उसे भी इसी तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब हम तीसरी ब्रेड को भी इसी तरह से ब्रेड के किनारे पर रखकर और उसे भी फ्लैट कर लेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है। तो सभी ब्रेड को हमने फ्लैट कर लिया है और इनका रोल बना लेंगे। और अगर ये रोल जुड़े नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ गीला करके और इस रोल को अच्छे से सेट कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये रोल बनकर सेट हो जाता है। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हल्के हाथ से बस इसे सेट करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसे दबाकर हम सेट कर लेंगे। और सेट होने के बाद में बस हम इसमें कर देंगे कट और बराबर बराबर 4 भाग में इसे कट कर लेंगे। एक रोल को हम 4 भाग में कट करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी बना रहे हैं तो 3-3 ब्रेड का एक रोल बनाएं। मैंने यहाँ सिर्फ एक ही रोल बनाया है और यहाँ मैंने इसके 4 पार्टीशन कर लिए हैं, 4 रोल मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। अगर रोल थोड़ा अगर आपको ऐसा लगे कि सेट नहीं है तो उसे हाथों से अच्छे से सेट कर दें और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और ये रोल बनकर रेडी हैं। अब यहाँ पर ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको गर्म करें और गर्म होने पर गैस का फ्लेम कर दें लो। और यहाँ पर सभी रोल मैंने डाल दिए हैं, 4 रोल मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं और एकदम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ घी लिया है। और इनकी साइड चेंज करते हुए हमें इन्हें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा क्रंची भी हो जाएंगे ये और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इनको हम उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर ये जल जाते हैं और कलर अच्छा नहीं आता है। ब्रेड रोल फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी ऐड कर देंगे और एक बाउल में, और इसे गर्म होने देंगे। हम इसे कुक करेंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए, तब तक हमें इसे कुक करना है। फ्लेवर के लिए एक इलायची का मुंह खोल के डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से हो जाए चाशनी में। और ये देखिए कि ब्रेड रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, इनका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और गरम गरम चाशनी में
ब्रेड रोल डुबो देंगे और बस एक बार इन्हें अच्छे से चला देंगे ताकि इनमें अच्छे से चाशनी अंदर तक चली जाए और कुछ देर के लिए हम इन्हें चाशनी में ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो अब हम इन्हें करते हैं सर्व। इसके लिए हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें चाशनी बहुत अच्छे से अंदर तक चली गई है और बड़े बड़े फूल गए हैं, ये एकदम गुलाब जामुन की जैसे हो गए हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब हम इन पर मावा और ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं वरना आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मावा और ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। अगर आपको ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम ब्रेड रोल बनकर रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।